छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी। जगाला समता आणि शांतीचा संदेश देणारे महात्मा गांधीजी, भूदान चळवळीचे प्रणेते विनोबा भावे यांना विनम्र अभिवादन आणि गांधीग्राम आणि पवनारच्या भूमीला नमन। भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार महामानव भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना विनम्र अभिवादन आणि देशाचे लोकप्रिय आणि यशस्वी आणि लगातार तिसऱ्यांदा ज्या देशाचे प्रधानमंत्री झाले त्या आदरणीय नरेंद्र मोदी साहेबांचं मी आपल्या सर्वांच्या वतीने मनापासून स्वागत करतो। खरं म्हणजे आजच्या या कार्यक्रमाला उपस्थित राज्यपाल राधाकृष्णन साहेब, आमचे दोन्ही उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी अजितदादा, केंद्रीय मंत्री मांझीजी जयंत चौधरी, सर्व व्यासपीठावरील आमचे मंत्रिमंडळातील सहकारी मंत्री आमचे बावनकुळेजी आणि सर्व व्यासपीठावरील मान्यवर आणि मोठ्या संख्येने आदरणीय प्रधानमंत्री महोदयांना ऐकायला आलेले सर्व वर्धावासीय बांधव भगिनी आणि माझ्या लाडक्या बहिणींनो आणि लाडक्या भावांनो, आपलं मनापासून मी स्वागत करतो। मोदी जी के 10 साल के सफल कार्यकाल का वर्णन करते हुए मैं ये कहता हूं, 10 साल बेमिसाल। नरेंद्र मोदी जी है विकास की नई मिसाल। लगातार तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री पद संभालने वाले माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि मोदी जी तीसरे कार्यकाल में प्रगति की गति 3 गुना बढ़ाएंगे और हमारे भारत को नई ऊंचाई प्रदान करेंगे। ये 100 दिन तो एक झांकी है, मोदी साहब की बड़ी इनिंग अभी बाकी है। मोदी जी के नेतृत्व में देश को महासत्ता बनाने का 140 करोड़ जनता का सपना 10% पूरा होगा। आने वाले वर्षों में हमारी एनडीए सरकार दुनिया के सबसे ताकतवर देश की सूची में भारत का स्थान मजबूत करेगी, ऐसा हमें विश्वास है। 21वीं सदी भारत की सदी, ऐसा मोदी साहब ने कहा था। हमारा भी यही कहना है कि 21वीं सदी भारत की सदी, क्योंकि देश के कप्तान है नरेंद्र मोदी। और इसलिए मैं उनका फिर एक बार तहे दिल से स्वागत करूंगा। आज पीएम विश्वकर्मा योजना को 1 साल पूरा हुआ है। कारीगरों का हुनर पहचानना, उन्हें सप्लाई चेन की मुख्य धारा में लाना, उन्हें मार्केटिंग ब्रांडिंग का सपोर्ट करना, इतनी दूरगामी सोच सिर्फ मोदी जी की हो सकती है। इसलिए जब प्रदर्शन में हम गए थे तो कई कारागिर कह रहे थे, हम इतने छोटे छोटे कारीगर हैं, आज छोटा छोटा व्यवसाय करते हैं, लेकिन इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री हमारे बारे में इतनी बारीकी से सोचते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री हमने देखे नहीं। मैंने कहा ना देखे हैं ना देखो भी, क्योंकि मोदी जी ऐसे हर विभाग को, हर सेक्टर को मेन स्ट्रीम में लाना चाहते, उद्योजक बनाना चाहते हैं, लोगों को रोजगार देना चाहते हैं। और इसलिए आज महाराष्ट्र में पीएम विश्वकर्मा योजना में 14,72,000 से ज्यादा एप्लीकेशन रजिस्टर हुई है। इस योजना के माध्यम से छोटे व्यवसाय को लोन दिया गया, इससे कारोबार बढ़ा, रोजगार के अवसर पैदा हुए और देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है। यह मोदी जी के
सबका साथ सबका विकास, ये समग्र दृष्टिकोण का सबसे अच्छा उदाहरण है। और इस योजना की पहली वर्षगांठ पर मैं पूरे विश्वकर्मा समाज की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मोदी जी ने देशातील महिलांना आत्मसन्मान मिळून दिला। 10 वर्षात ग्रामीण भागातल्या 10 कोटी महिला आत्मनिर्भर झाल्या। नारी शक्तीला बळ देण्यासाठी आज मोदीजींच्या शुभ हस्ते पुण्य श्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्टार्टअप योजनेचा शुभारंभ देखील होतोय आणि महिलांना स्टार्टअपसाठी 25 लाखापर्यंत अर्थसहाय्य मिळणार आहे। महाराष्ट्र देश में महिला स्टार्टअप में पहले स्थान पर होगा और दूसरे राज्यों को भी प्रेरित करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। आज अपन 1000 कॉलेज मध्ये आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्र शुरुआत करतोय। वर्षभरात 1.5 लाख विद्यार्थ्यांना प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिली जाणार आहे आणि म्हणून त्याचबरोबर अमरावती मध्ये मगाशी देवेंद्रजींनी सांगितलं पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क से भूमिपूजन होते है। 8000 कोटींची इन्व्हेस्टमेंट असलेल्या या पार्क मध्ये 2 लाखापेक्षा जास्त रोजगार मिळणार आहे। या पार्क मुळे संपूर्ण परिसराचा मेकोर होईल, देशाच्या अर्थकारणाला देखील हातभार लागेल। मोदी जी कधी छोटी स्वप्न पाहत नाहीत, आपला देश जसा महान तशीच मोदीजींची स्वप्नेही महान आहेत आणि म्हणून मुंबई को ग्लोबल फिनटेक कैपिटल बनाने का निर्धार उन्होंने किया है। फिनटेक तकनीक 2030 तक भारत को 7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में योगदान दे सकती है, जिसमें महाराष्ट्र का बड़ा योगदान हो सकता है। इस सपने को साकार करने के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कल ही हमने नवी मुंबई में एक महत्वाकांक्षी सेमी कंडक्टर परियोजना का भी भूमि पूजन किया है। थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का सपना भी हमें साकार करना है। मोदी जी पूरी दुनिया में देश का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं और मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को भी रोकने में भारत की कोशिश प्रभावी बन रही है और यश भी मिला है, ऐसा FATF ने कहा है। और दूसरी तरफ आज हम देखते हैं कि हमारे कुछ लोग विदेश में जाकर हमारे देश को बदनाम करते हैं, आरक्षण रद्द करने की बात कहते हैं। और मैं ये कहूंगा जो आरक्षण संविधान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने दिया है उसे किसी को भी रोकने या खत्म करने का अधिकार नहीं है। और इसलिए मोदी जी यहाँ पर प्रधानमंत्री जी है, तब तक ये गरीब तबके का आरक्षण कोई भी माई कलाल खत्म नहीं कर सकता है, इतना ही मैं विश्वास दिलाता हूं। लेकिन यहां पर माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में गृह मंत्री अमित भाई शाह जी ने 370 धारा हटाकर हमारे कश्मीर के जन्नत को आजाद करा दिया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि 370 कलम फिर लाएंगे। क्या आप दहशतवाद फिर लाना चाहते हो? क्या पाकिस्तान की बोली बोलने वाले लोग जो ये 370 जो कलम हटाने के बाद ये कश्मीर का विकास हो रहा है, क्या विकास को रोकना चाहते हो? आतंकवादियों से मिलकर मिलीभगत करना चाहते हो? और इसलिए कांग्रेस को इसका भुगतान भोगना पड़ेगा, इतना ही मैं कहूंगा। मोदी जी ने कई क्रांतिकारी फैसले लिए हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने वन नेशन वन इलेक्शन का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मैं मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मोदी जी की सभी योजनाएं सभी निर्णयों का उद्देश्य देश के पिछड़े कमजोर वर्गों का कल्याण करना है और यही उनका एकमात्र उद्देश्य है। आम आदमी का सम्मान बढ़ाना, उनकी ताकत बढ़ाना, उनकी समृद्धि बढ़ाना, हम उनके आदर्शों पर चलकर पिछले 2.25 साल में राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए लाडली बहन योजना हो, लाडला भाई योजना हो, 1.60 करोड़ हमारी लाडली बहनों के खाते में महीने में 1.5 हजार रुपया, 2 महीने के 3 हजार, सालाना 18 हजार रुपया ये जमा हो रहे हैं।
यह संख्या 2.5 करोड़ तक पहुंचेगी। और लेक लड़की योजना हो, अन्नपूर्णा योजना हो, लड़कियों को मुफ्त में प्रोफेशनल एजुकेशन हो, वयोश्री योजना हो, तीर्थ दर्शन योजना हो, ये सब योजनाएं नई क्रांति समाज में लाएगी। और मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के नए विकास के नए शिखर पर पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से महाराष्ट्र का विकास बुलेट ट्रेन की तेज रफ्तार से होगा, ऐसा मैं विश्वास व्यक्त करता हूं। शेवटी जाता जाता एवढं संको करू महाराष्ट्राचा विकास, आनू सुखाची नांदी, कारण आपल्या मागे खंबीरपणे उभे आहेत नरेंद्रजी मोदी ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाइव अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।